हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे शो में जिसका नाम है कैंपस से। मैं हूं आपका दोस्त रक्षित और आज मैं आपका स्वागत करता हूं एक और नए कैंपस से। आज मैं आपको लेकर के आया हूं इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी का वो कॉलेज जिसकी हिस्ट्री बहुत ही पुरानी है। भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हुआ था तब से लेकर के वोटिंग राइट मिल गए थे आदमी और औरतों को, लेकिन एक इक्वालिटी का मामला फिर भी रह ही गया, वो था एजुकेशन का मामला। तो भाई हमारी आधी आबादी जो थी उसको एजुकेशन बूस्ट देने के लिए कई सारे गर्ल्स कॉलेजेस की शुरुआत हुई, जिनमें से एक था इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इस कॉलेज की शुरुआत हुई थी 1961 यानी कि 1961 में, और तब यहाँ पर होम साइंस का सिर्फ 2 साल का एक डिप्लोमा कोर्स हुआ करता था। बट दैट वॉज द 60s, और आज 2019 का समय आ गया है और इतने लंबे ड्यूरेशन में बहुत कुछ चेंज हुआ होगा। आइए उन चेंजेस के बारे में बात करते हैं कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर गीता त्रिलोक कुमार से। मैम वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वेलकमिंग। तो मैम शुरुआत करते हैं सबसे पहले कॉलेज की हिस्ट्री के बारे में कुछ जान करके कि 61 में कैसे इस कॉलेज की ज़रूरत पैदा हुई और कैसे प्रोग्रेस हुई। 60s में वेमेन का मेन रोल जो होता था वो सुंदर घर संभालना, घर को अच्छा खाना बनाना, उन रोल में ज़्यादा होता था। तो काफ़ी सारे लोग अपनी बेटियों को होम साइंस कराना चाहते थे, जहाँ इनको अच्छी अच्छी रेसिपीज सिखाई जाती थी, घर कैसे सजाना है, होम मैनेजमेंट सिखाया जाता था, कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाई जाती थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जाती थी। तो ये कॉलेज में डिप्लोमा के तौर पे शुरू हुआ, 2 साल का डिप्लोमा होता था। डॉक्टर मल्हन थी, उन्होंने एक पॉलीटेक्निक शुरू किया, उसको धीरे धीरे जब उन्होंने देखा कि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो फिर उन्होंने सोचा कि इसको दिल्ली यूनिवर्सिटी के डिग्री कोर्स से अटैच किया जाए। तो डॉक्टर मल्हन ने UGC और यूनिवर्सिटी को अप्रोच करके इसको 1969 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएट कर लिया और इसका नाम इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स रखा गया। शुरू में हमारे कॉलेज में सिर्फ होम साइंस था, BSc होम साइंस, BA होम साइंस पास, होम साइंस ऑनर्स से शुरू हुआ। धीरे धीरे MSc फूड्स एंड न्यूट्रिशन, MSc क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल था जो अब फैब्रिक एंड अपैरल डिज़ाइन कहा जाता है। उसके बाद देखते ही देखते हम साइंस कोर्सेज ले आए, BSc ऑनर्स माइक्रोबायोलॉजी, BSc ऑनर्स बायोकेमिस्ट्री, बैचलर्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, अब 2 साल पहले BSc ऑनर्स फूड टेक्नोलॉजी और BA ऑनर्स जर्नलिज्म भी आ गया। तो अब हमारा कॉलेज जो है वो बहुत मल्टी फेसेटेड, मल्टी डिसिप्लिनरी होता गया और अब तो बहुत अच्छा हो गया। मैंने इस कॉलेज में ज्वाइन किया था 1985 में, मैं फ्रेश MSc आई थी और हमारे कॉलेज में टीन की छतें होती थी, साउथ एक्सटेंशन में पुरानी बिल्डिंग होती थी, बहुत बड़े लॉन्स होते थे लेकिन बहुत बेसिक क्रूड बिल्डिंग होती थी, उसमें भी हम लोग इंजॉय करते थे। लेकिन ये वाली बिल्डिंग हमारी, हम 2001 में इस बिल्डिंग में आए। इस बिल्डिंग में आने के बाद में क्या क्या नई फैसिलिटीज़ ऐड हो गई और क्या नई सुविधाएं जुड़ी? बहुत कुछ चेंज हुआ है इस नई बिल्डिंग में आने के बाद। पुरानी बिल्डिंग में जगह कम थी, तो लेबॉरेटरीज़ में हम ज़्यादा सेक्शंस भी बना सकते थे, ज़्यादा बच्चे नहीं ले सकते थे। जैसे ही इस नई बिल्डिंग में आए तो हमने स्टूडेंट स्ट्रेंथ बढ़ गई हमारी, कहाँ हम 400-500 स्टूडेंट्स लेते थे शुरू में, और आज के दिन में हमारे 1600-1700 स्टूडेंट्स हैं, एक बहुत बड़ा एडवांटेज था। फिर फैसिलिटीज़, न्यू बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, वेल लिट लैब्स और बहुत कुछ ऐड होता रहा। अब हमारी रिसर्च फैसिलिटीज़ बढ़ती रही और आपको सुन के ये बहुत खुशी होगी कि अब हम लोग एक स्टार कॉलेज हैं DBT के, जो बहुत कम कॉलेजेस दिल्ली यूनिवर्सिटी को स्टार कॉलेज स्टेटस मिला है, तो वो हमारे कॉलेज को स्टार स्टेटस मिला है। और लास्ट ईयर हमें एक फिस्ट ग्रांट मिली रिसर्च और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, 1 करोड़ की ग्रांट होती है, वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से मिलती है। और मुझे नहीं मालूम कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के और किसी कॉलेज को वो ग्रांट मिली है। एंड ऑल्सो देर इज़ अ लॉट ऑफ रिसर्च गोइंग ऑन, वी हैव मल्टी करोड़ रिसर्च प्रोजेक्ट्स funded by international agencies. We have
you know, a Wellcome Trust. I am a Wellcome Trust senior fellow. So Wellcome Trust UK is funding about a 5 crore project. We have a project from University of Sydney. Department of Biotechnology is giving crores of projects. And there are many others. So lots of international agencies are giving research projects. So it's not only teaching, but students are also getting exposed to research facilities, which is an amazing thing. And it's a very unique feature of our country. And now I'd like to ask you, because our viewers are watching from the country's corners, अगर वो इस कॉलेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइनिंग का प्रोसीजर क्या है, किस तरह से वो कॉलेज को ज्वाइन कर सकते हैं? हमारा जो एडमिशन है वो ऑनलाइन एडवर्टाइज होता है, सो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आता है। सारी कॉलेजेस की एडमिशन उसी टाइम होती हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे एडमिशन फॉर्म्स भरने के बाद आप सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप उस कट ऑफ में आते हैं तो जिस कॉलेज में आप चाहते हैं और जहाँ उस आपकी कट ऑफ आ रही है आप उस कॉलेज में जाके एडमिशन ले सकते हैं। तो ये सेंट्रलाइज्ड है, आजकल सब कुछ DU से ही है। MSc के लिए हमारा अलग प्रोसीजर है। MSc के लिए हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, और यदि आप होम साइंस के बैकग्राउंड से हैं और आप एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं, तो MSc की एडमिशन उससे होती है। और PhD की एडमिशन अगेन ऑनलाइन है, और फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है और उस तरीके से होती है। तो हमारे यहाँ BSc, MSc और PhD इन होम साइंस है। तो मैम, अब एक मैसेज हो जाए हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारी देश की उन लड़कियों के लिए जो आगे पढ़ाई करना चाहती हैं और किसी भी कोने में किसी भी हालत में हैं वो, लेकिन वो आगे बढ़ना चाहती हैं। इन लड़कियों की ड्रीम है, अगर वो डिसाइड कर लें कि उन्होंने अपनी ड्रीम को फुलफिल करना है तो वो कर पाती हैं। और मैं हर लड़की से जब ये फर्स्ट डे मैं इनसे मिलती हूँ तो मैं कहती हूँ, आपके पास दो ऑप्शंस हैं, आप या तो सोए रहो और ड्रीम करते रहो, या जागो and go and chase your dreams. That's all I tell them, and that is the important message for every student. They have to run and chase their dreams, and I am confident that they will achieve them. Thank you so much, ma'am. Thank you for your time. Thank you so much. Thank you for inviting me. तो मैम से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद समय हो गया है कोर्सेज की डिटेल्स जानने का, और उसके लिए हम जाएंगे यहाँ की फैकल्टी के पास। होम साइंस की 5 डिफरेंट ब्रांचेस हैं। फूड्स एंड न्यूट्रिशन है, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड चाइल्डहुड स्टडीज़ है, कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन है, फिर हमारा रिसोर्स मैनेजमेंट एंड डिज़ाइन है, एंड फैब्रिक एंड अपैरल साइंस है। तो उसके साथ साथ हमारा एक कॉलेज जो है उसमें हम मास्टर्स कोर्सेज भी ऑफर करते हैं, जैसे हमारी MSc इन फूड्स एंड न्यूट्रिशन है, MSc इन फैब्रिक एंड अपैरल साइंस है, एंड और उसके साथ हमारे पास एक डिप्लोमा भी है। एक्चुअली 2 डिप्लोमा हैं, एक है जेरेंटोलॉजी का और एक है हमारे पास डायटेटिक्स का। तो ये भी कोर्सेज हमारे हैं। बट बिसाइड्स दैट, अब हमारे कॉलेज में वी हैव माइक्रोबायोलॉजी ऑनर्स, बायोकेमिस्ट्री ऑनर्स, BLED एंड BA ऑनर्स इन जर्नलिज्म। मतलब कॉलेज अब होम साइंस तो है, बट इसके बियॉन्ड ऑल्सो वी हैव गोन, बिकॉज आई थिंक जितना हम मल्टी फेसेट होंगे उतना हम वी कैन रीच आउट टू मोर स्टूडेंट्स। जब कॉलेज जब मैंने ज्वाइन किया था तो जैसे यू नो चाइल्ड डेवलपमेंट में दो सब्जेक्ट्स होते थे सिर्फ, और 2 ईयर्स में पढ़ाते थे, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर ऑनर्स और पास कोर्स में। बट टुडे वी आर टीचिंग 10 सब्जेक्ट्स in which are related to child development. It is not only the development of the child till adolescence, ab iska nomenclature bhi change ho gaya, now it is known as human development and childhood studies. So human development means that we are covering all aspects. We talk about gender issues, we talk about disability. Actually hamara ek course hai jo ki undergrad level par bhi disability ke bare mein baat karta hai. We are sensitizing our students into inclusion. We are talking about child rights. So we are talking about old age, we are talking about middle age. So there's a whole lot of areas that we are covering, and so that our children can go into different professions. It is not only related to teaching now. It is, they are working in all NGOs, they are working in World Bank, they are working in UNICEF,
they are working all over the place. So, you know, and that is the growth, and I still feel that there is a lot to do because this is the baseline for all development, social development. Aram hamara ek extension hai, nursery school hum isko kehte hain. This was actually started in 1996, hamari purani building mein. To hamara purpose is school ka ye hai ki jitne bhi working mothers hain, they should feel comfortable that they can leave their child in a secure environment which has all the stimulation possible. Hum koshish ye karte hain ki unki overall development ho in an informal way. And the child is learning and he is happy because hamara ye bahut strong belief hai aur ye scientifically bhi proven hai ki first 6 years mein maximum brain development ho raha hai. To hum unko koshish karte hain wo sab principles follow kare aur we give a very happy, secure and stimulating environment to our children. डिपार्टमेंट ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एक्सटेंशन होम साइंस का एक हिस्सा है और ये डिपार्टमेंट बहुत सालों से चल रहा है जिसमें हम डेवलपमेंट इश्यूज़ के बारे में बात करते हैं और हम ये देखते हैं कि मीडिया किस तरह से इस्तेमाल में लाया जा सकता है सोशल चेंज के लिए. जब हम ये काफ़ी समय से कर रहे थे और इसलिए हमने बहुत अमेजिंग ऑडियो स्टूडियो भी बनाया और बहुत सारे बच्चे हमारे रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म मेकिंग से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स करते थे. तो हमने सोचा क्यों नहीं हम जाके बीए ऑनर्स जर्नलिज्म जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कॉलेजेस में चल रहा है उसके लिए अप्लाई करें. और हमने अप्लाई किया और हमारे क्रेडेंशियल्स को देख के हमें 2 साल पहले ये कोर्स मिल चुका है और अब हमारे डिपार्टमेंट का पूरा नाम हो गया है डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एक्सटेंशन एंड जर्नलिज्म. जर्नलिज्म के अंदर हम लोग बिल्कुल हिस्ट्री से जाते हैं, हिस्ट्री ऑफ जर्नलिज्म, कम्युनिकेशन, प्रिंट के बारे में बात करते हैं, रेडियो के बारे में बात करते हैं, फोटोग्राफी के बारे में बात करते हैं, फिल्म अप्रिसिएशन, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग और आखिरी में एक रिसर्च प्रोजेक्ट बच्चे करते हैं जिसमें हाउ वी कैन यूज़ मीडिया रिसर्च और कम्युनिकेशन के सारी स्किल्स के बारे में इस डिपार्टमेंट में बात की जाती है. बीए ऑनर्स जर्नलिज्म का कोर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिसाब से 3 साल का कोर्स है जिसमें फर्स्ट ईयर से लेकर आखिरी तक 3 साल में बच्चे सभी चीज़ों में पारंगत होते हैं, प्रिंट, रेडियो और टेलीविज़न जर्नलिज्म को लेके. अब इसके बाद उनके सारे स्कोप्स भी इन एवेन्यूज़ में खुल जाते हैं. वो चाहे तो प्रिंट मीडिया में जाए, वो चाहे रेडियो में जाए, चाहे वो टेलीविज़न में जाए, वो बहुत सारी जगहों पे इंटर्नशिप्स करते हैं. उनको प्लेसमेंट्स भी मिलने की हमारी उम्मीद है क्योंकि अभी 2 साल ही हुए हैं, हम कुछ कह नहीं सकते. लेकिन हमारे सभी स्टूडेंट्स ने रेडियो में इंटर्नशिप किया है, प्रिंट में इंटर्नशिप किया है और सोशल मीडिया इज़ अनदर एवेन्यू वेयर आर स्टूडेंट्स आर एक्चुअली गेटिंग इनटू एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस भी एक दूसरा फील्ड है. बच्चे सिर्फ ग्रेजुएशन पे आके रुक नहीं जाते, कुछ बच्चे ये भी चाहते हैं कि वो हायर एजुकेशन के लिए जाएँ. तो वो PG डिप्लोमा कोर्सेज करते हैं, MA करते हैं मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में. तो दिस इज़ स्कोप और जहाँ पर भी हम जाएँ, हम सुबह उठते हैं और रात को सोते हैं, हम चारों तरफ मीडिया से घिरे हुए हैं. हम TV खोलेंगे, हम रेडियो देखेंगे, हमारी आँख खोलेंगे, मोबाइल देखेंगे, हम मीडिया को से अछूते नहीं हैं. तो अगर हर जगह मीडिया है तो हर जगह मीडिया की नौकरियां भी हैं और हमारे बच्चे इन सब जगहों पे जाते हैं. अगर हमारे कॉलेज में देखा जाए तो कॉलेज का एक सेंट्रलाइज प्लेसमेंट सेल है जिसमें हमने लास्ट ईयर बहुत सारी अलग अलग कंपनीज को बुलाया था. जैसे आपने देखा हमारे कॉलेज में बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज हैं, फैशन, फूड, ह्यूमन डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन, माइक्रोबायोलॉजी. तो इन सब इलाकों से, इन सब एरियाज से अलग अलग लोग आए थे जिन्होंने बच्चों के इंटरव्यूज़ लिए और काफ़ी बच्चों को इंटर्नशिप्स दी और प्लेसमेंट्स भी दी. उसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी सेंट्रलाइज प्लेसमेंट सेल होता है. हमारे सभी बच्चे उसमें फॉर्म भरते हैं और जाते हैं उन इंटरव्यूज़ के लिए. तो प्लेसमेंट्स आर एक्चुअली वेरी गुड और हमारे बहुत बच्चे हायर एजुकेशन की तरफ भी जाना चाहते हैं. बेसिकली ये जो कोर्स है ये 4 साल का कोर्स है, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन. इस कोर्स को करने के लिए जो है स्टूडेंट 12th क्लास के बाद जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो फॉर्म निकलता है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं. उसके बाद जो है एंट्रेंस के ऊपर बेस्ड है यहाँ पर एडमिशन, मीन्स मेरिट के ऊपर बेस्ड नहीं है. एंट्रेंस में जो है मेरिट आती है, उसके बाद उनका एडमिशन होता है. और अगर बेसिकली जो ये टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स है तो यहाँ से करने के बाद ऑल्दो उनके पास बहुत सारा स्कोप है, वो मास्टर्स कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है वो टीचिंग ऑप्शन को जो है प्रेफर करते हैं. तो जो कोर्स डिज़ाइन करा गया है
वो भी इसी तरीके से डिज़ाइन करा गया है ताकि टीचिंग की जो स्किल्स हैं वो किस तरीके से उन स्किल्स को नर्चर कर सकें। तो बेसिकली बीएलएड करने के बाद स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ से आठवीं क्लास तक के, क्योंकि एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोग्राम है, तो फर्स्ट से लेके एट्थ क्लास तक के टीचर्स जो हैं वो बन सकते हैं अभी तक जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं उसके हिसाब से। तो कोर्स जो है बहुत जो डिज़ाइन करा गया है 4 साल का है, अलग अलग तरीके के एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करे जाते हैं। ये अपने आप में एक अलग कोर्स है जिसमें आप अलग अलग डोमेन से अलग अलग सब्जेक्ट्स की नॉलेज गेन करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो साइंस के कोर्सेज भी पढ़ाए जा रहे हैं। अगर मैं इस कोर्स के बारे में भी बात करूँ तो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो साइंस के हैं, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो लैंग्वेज के हैं, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो पर्टिकुलरली जो है आपके टीचिंग स्किल से रिलेटेड हैं, कुछ जो है सोशल साइंस से रिलेटेड हैं। तो मीन्स डाइवर्स काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस उनको प्रोवाइड करे जाते हैं। जो कोर्स जो है वो थ्योरी और प्रैक्टिकम में डिवाइडेड है, तो प्रैक्टिकम भी बहुत इंटरेस्टेड है। जैसे यहाँ पे उनको थिएटर भी करवाया जाता है, क्राफ्ट भी करवाया जाता है, सेल्फ डेवलपमेंट वर्कशॉप भी करवाए जाते हैं। तो अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग कोर्स है। और पर्सनालिटी जो है, अगर देखें कि फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट जब एंटर करता है और फोर्थ ईयर में जब पास आउट होता है, तो एक ड्रास्टिक चेंज आता है फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर में। स्टूडेंट का अपना खुद का जो थॉट प्रोसेस जो है वो इवॉल्व होता है, तो बहुत अच्छा कोर्स है। कहने के लिए अब ज़्यादा कुछ रह जाता नहीं, क्योंकि इतनी सारी सजावट हो रखी है, इतने सारे स्टॉल्स लग रखे हैं जैसा कि आपने देखा, और यहाँ पर माहौल कुछ और ही हो रखा है, यानी कि कोई ना कोई इवेंट ज़रूर हो रहा है। तो आइए दिखाते हैं आपको इस इवेंट के कुछ अंश और मिलवाते हैं कुछ स्टूडेंट्स से। ये हमारा डिपार्टमेंटल एनुअल फेस्ट है कॉम्सकेप। वी हैड वन इन फेब्रवरी और अब दूसरा हुआ है एक ही साल के अंदर। तो इसमें इवेंट्स हैं, आरजे हंट है, कैरिकेचर कंपटीशन है, फोटोग्राफी कंपटीशन है, वी हैव अ स्ट्रीट प्ले कंपटीशन। मैं सबसे बड़ी बात ये कहूँगी कि हमारी पूरी टीम के बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगे हैं, जितने भी स्टॉल्स आप यहाँ देख रहे हैं इन सब को लेकर आने के लिए, और जितने भी हमारे स्पॉन्सर्स हैं, स्पीकर्स हैं, उन सबको फाइनल करने के लिए, और हमारे सारे जितने भी कॉम्पिटिशन्स हैं उनको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, और इस इवेंट को, क्योंकि ये स्टूडेंट फंडेड इवेंट है तो इसका सारा फंड कलेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगे, और मैं उसके लिए अपनी पूरी टीम को थैंक यू बोलना चाहूँगी। बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी की, अगर गूगल पे इसको सर्च करें तो इसका मतलब आता है अ सिस्टम व्हेदर इट्स पावर इज अ इल्यूजन और हैज द कैपेबिलिटी टू चेंज द सोसाइटी। द कलर इज पोर्ट्रेड बाय द मीडिया अबाउट द डेमोक्रेसी फेड अवे, द कॉन्शियसनेस ऑफ पीपल इज बीइंग मैनिपुलेटेड बाय न्यूज़ कोटेड विद फेक रियलिटी।
यार वो कॉलेज ही क्या जहाँ पर सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई हो, कोर्सेज की बातें हो, और जैसा कि प्रिंसिपल मैम ने कहा कि ऑलराउंड एक्टिविटीज भी होनी चाहिए ना साथ में, एक कैरेक्टर को बनाने के लिए, एक अच्छे इंसान को बनाने के लिए, तो वो सारी चीज़ें इस कॉलेज में क्या क्या होती है आइए जानते हैं यहाँ की जनता से ही। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव यू। हेलो, आई एम अमीशा फ्रॉम IHE। आई एम फ्रॉम द BSc होम साइंस ऑनर्स एंड आई एम द पार्ट ऑफ द आर्ट सोसाइटी विच नेम इज IDDESCENTS। हम नॉर्मली IDDESCENTS और आर्ट सोसाइटी में हम क्या करते हैं कि नॉर्मल कॉलेजेस में जो भी इवेंट और जो भी फेस्ट होते हैं उसको डेकोरेट करते हैं, और इनके अंदर हम इंटर कॉलेजेस में भी जाते हैं और नॉर्मली हमारे आर्ट क्रिएटिविटीज़ दिखाते हैं हम अपनी सोसाइटी में। हाय, आई एम पद्मजा योगेश एंड आई एम डूइंग BA ऑनर्स जर्नलिज्म एंड आई एम पार्ट ऑफ मुजाहिरा विच इज़ द लिटरेरी एंड डिबेटिंग सोसाइटी ऑफ IHE। हमारे इस सोसाइटी में टर्नकोट डिबेट अभी हाल फिलहाल में हुआ था, और इस सोसाइटी के अलग अलग विंग्स हैं जैसे कि स्लैम पोएट्री, डिबेटिंग, डिबेटिंग इंग्लिश, डिबेटिंग हिंदी, क्रिएटिव राइटिंग एंड क्विजिंग। माई नेम इज़ रुकैया आसिफ एंड आई एम फ्रॉम BSc होम साइंस पास एंड आई एम पार्ट ऑफ इनएक्टर्स विच इज़ बेसिकली फॉर सोशल वर्क एंड एंटरप्रेन्योरशिप साइमल्टेनियसली। सो बेसिकली वी आर हैविंग वन माइनर एंड वन मेजर प्रोजेक्ट इन आर इनएक्टर सोसाइटी, दैट इज़ प्रोजेक्ट ओजस एंड प्रोजेक्ट आहार, एंड वी आर गोइंग टू मेक अ बिवरेज लाइक मैनी children are not offered nutritious food, for that we are making a beverage for them at a very low cost, and that's how we will manage our society in Actus. Hello, I am Kanika. I am the vice president of Mental Health Society. We have initiated our project 1 year back when we have a workshop here, and then we make a team of 10 members, 5 juniors, 5 seniors, working towards the mental health. And we have recently conducted the dance movement therapy, which was conducted yesterday, and it was a great hit. I would like to say that mental health in today's society is major concern for our health. Hello everyone, my name is Adima Tripathi and I'm a part and vice president of Anveshan, the biochemistry society of IHE. We are a very new society. We had started about 6 months ago, and even in that time we have conducted a lot of lectures and other activities for the college, and which the students seem to enjoy. We try to inculcate the spirit of research into students so that those looking for a career in science are helped with this society. Hi, this is Preksha Malhotra. I am a part of the Literary and Debating Society named Muzahira in Institute of Home Economics. I am a journalism undergraduate student, and speaking about the Literary and Debating Society, the society was formed by our seniors around 5-6 years ago, and we're relatively newer in the circuit, but we've carved a niche for us, and there are a lot of different activities that we take part in, ranging from poetry to debating to quizzing, and we've got a lot of competitions coming up throughout the year that the team enthusiastically takes part in and also organizes. Kadubi, I'm the president of the media club, which is named as #NoFilter. We started a year ago and we have been fully fledgedly conducting a lot of activities around the corner. Even the event today, as you can see, was conducted by #NoFilter. The idea of NoFilter was to, you know, hone the skills of their students who have been already doing a lot of activities and provide a platform where they can, you know, raise a level bar. Hello, I'm Tanu Yadav, the secretary of Indian Music Society, Tarkas. We express all our emotions and words through the Indian classical rags, thumris and paltas and everything. I'm Cheshta and I'm the president of the Dramatic Society of IHE Navrang. Navrang was established in 2011. And what we aim is for people to understand the basic problems that are plaguing the society nowadays. Each year we try to choose a topic which resonates with the society and their issues. This year we did a play on male rape, and I guess what we tried for was for the society to understand that the problem exists. I guess we did many numerous public performances, and काफी लोगों ने उस situation को accept किया, and we felt good for it. इतनी पढ़ाई और इतनी सारी एक्टिविटीज़ करने वाले इन बच्चों के दिमाग कितने तेज़ हैं, आइए देखते हैं हमारे रैपिड फायर में। स्टार्ट करते हैं बेसिक के साथ में। रेड, स्टडी, डेमोक्रेसी, प्यार, फाइट्स, डीलिंग, फाइल्स, प्रोजेक्ट वर्क,
A lot of tension. Fashion for me would be the Kardashians. Prada. Fashion would for me would be street style. Selfie for me would be maybe with one of the best anchors, I would say. Snapchat filters. I don't know how to take selfie. Teachers. A dream. Salary. Much needed. Looking good. Styling yourself. Not really my cup of tea. Kareena Kapoor. My mother. Same goes for me, my mother. Makoto Shinkai. Kim Namjoon. He's from BTS. My mother. Ghar ka bhedi. Lanka dhai. Kal ho. Na ho. Kuch kuch. Hota hai. Dil vil. Pyar vyar. Main tera. Tu mera. Trigonometry. Trigonometry. Helicopter. Pankhe se udne wala. No man's land. Hello, this is Palak. So I wanna say ki jo bhi moment life mein mil raha hai, usko enjoy karo, acche se usko jiyo. Kal ki tension mat lo, kal ki tension loge to aaj kuch bhi nahi kar paoge. So ek moment ko enjoy karo, chun chun ki apni harkate acche se karo, kisi cheez ki bhi tension mat lo. That's all. To aaj hum aapko dikhane laaye the Institute of Home Economics ka ye sundar sa campus. आपको ये कैंपस कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा कैंपस से dd@gmail.com पर अपने ईमेल्स हमें भेज करके तो हैशटैग इक्वालिटी लाने के लिए शुरू हुआ ये कैंपस 1961 में IHE का कैंपस आज हमने देखा और हैशटैग गर्ल पावर को भी हमने यहाँ पर विटनेस किया नहीं दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और जाते जाते बस इतना कहना चाहूँगा कि जितना लड़के उतना ही लड़कियों पर भी ध्यान दिया जाए तो ये देश कहीं का कहीं पहुंच सकता है आगे भी देखेगा अगले गुरुवार कैंपस से जाते जाते विदा लेता हूं मैं आपसे आपका दोस्त रक्षित